नमस्कार दोस्तों, सरकारी न्यूज टुडे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तूफान ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, सड़कों पर गिर पड़े हैं पेड़ पौधे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से शनिवार दोपहर के बाद से लगातार अब तक ओलावृष्टि और बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के करनाल शहर में भी भयंकर हालत है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में भी मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 8 खंडों में तूफान के कारण कई जगह पेड़ गिरने से यातायात में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। आज शाम को करीबन 5 बजे के बाद में फिर से हालत खराब होने वाली है और तेज बारिश के कारण कई राज्यों में प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें, विद्युत निगम के आरक्षण के बाद में पता चला है कि लाइट काटी जा सकती है आज रात को, बिजली विभाग ने ये कहा है। पश्चिम विक्षोभ का असर 4 राज्यों में लगभग देखने को मिलेगा संडे रात को और सोमवार के दिन में। जी हाँ दोस्तों, तूफान की स्पीड भी इस बार काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। इस वजह से आपको बता दें कि जनधन की हानि हो सकती है। बिजली लाइन काटने का टारगेट यही रहेगा कि बिजली काटने की वजह से हो सकता है कि नुकसान में थोड़ी कमी आ सके। आपको बता दें कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में भी आंधियां चलने के आसार हैं। आज संडे रात को और सोमवार सुबह तक आपको आंधियां चलती नजर आएगी और रात को भारी बारिश होने की संभावना है हरियाणा के करनाल राज्य में। जी हाँ दोस्तों, गर्मी से राहत मिलेगी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को। आपको बता दें कि उत्तराखंड और झारखंड में और मध्य प्रदेश में भयंकर तूफान आने के आसार बढ़ चुके हैं। चंडाल तूफान ने उन राज्यों का रुख पकड़ा हुआ है और लगातार उनके कई जिलों में प्रभाव डाला हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 3 जिलों में लगभग आज शाम को भयंकर बारिश की संभावना जताई जा रही है। 15 मिनट की बारिश ने अभी हालत खराब कर दी थी और अब रात को हो सकता है 2-3 घंटे लगातार बारिश आए। इस वजह से कई जिलों में हालत खस्ता हो सकती है। बाढ़ के आसार भी बने हुए हैं और असम में भी बाढ़ अभी तक रुक नहीं पा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, देश भर के उत्तरी भारत में मौसम का हाल अभी बहुत ही खौफनाक चल रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा, तूफान और कई जगह पर काली पीली आंधियां चल रही है। धन्यवाद दोस्तों, ये खबर आपको अच्छी लगी हो या ऐसी जानकारी आपको हो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।